अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक खैर से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद लियाकत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेला बुड्ढा। और आज जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ, ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में याद रखनी, भूल ही नहीं। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ वैसे, आपने नहीं भूलनी। उसकी वजह यह है कि भाई साहब, जो आदमी कराची में रहता है, कराची को छोड़ के कहीं नहीं जाना, लाहौर का तो सोचना भी नहीं। मैं तो मुल्तान तक गया हूँ, लुट के वापस आ गया। अगर आप लाहौर तक जाएंगे तो क्या होगा? मैं यहाँ से गया पिछले मेरे ख्याल में जुम्मे का दिन था या जुमेरात का दिन था। मैं यहाँ से गया, अपने गांव गया डीजी खान, वहाँ से गया मुल्तान। मुल्तान में भाई साहब हमारी मोबाइल भी छीन लिया, दूसरा मोबाइल भी छीन लिया, दो मोबाइल थे जिसमें वीडियो बनाता हूँ, वो भी छीन लिया, दूसरा भी छीन लिया। अब कराची वहाँ पर जो ना लारी अड्डे पे बिहाड़ी चौक के पास, वहाँ हमें जूस पिलाया गया मोहब्बतों का। हमने कहा यार हम बेला बुड्ढा आ गया, फाइन मिलने आए, जूस पिलाया, मैं ठेले पे सो गया, सामान गया, पर्स भी गया, सब कुछ गया। फिर वहाँ पे बस किस तरह अल्लाह जानता है कि अपने गांव पहुँचा, गांव से फिर कराची पहुँच गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रश्का ये नहीं बेचा था, बच गया, अल्लाह का बड़ा करम हो गया। ये एक मोबाइल अभी लिया है मैंने वीडियो बनाने के लिए, और इसी भी अभी यंगो भी चलाएंगे एक दो दिन, फिर दूसरा मोबाइल भी इंशाल्लाह लेंगे, और उसके बाद जो है ना काम का अच्छे तरीके से बाकायदा आगाज़ करेंगे। और लाहौर तो मैं यही बोलूँगा कि भाई साहब लाहौर नहीं जाना, कहीं और चले जाना, लाहौर नहीं भाई जाने नहीं है भाई। जो हालात है वहाँ के, बेरोज़गारी और गर्मी और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे जो मेरी हालत हुई है। मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, अब नहीं जाऊँगा कराची छोड़ कर। तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब जो जहाँ है, जो जिसका जहाँ काम चल रहा है वो वहाँ पर चलाएं, पहले तसल्ली कर। अच्छा अच्छा ये हुआ कि मैं ये कराची वाला अपना रश्का बेच के लाहौर नहीं गया, मैंने कहा पहले वहाँ देख के आऊँ, तो वरना ये बेच के जाता तो पता नहीं, अब मैं तो मिलता ही नहीं, मैं तो पता नहीं कहाँ होता। तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया, अल्लाह ने बड़ा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा कि जान बच गई, जान बची तो लाखों पाए, तो आगे लाखों इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो इसी दुआ के साथ मैंने कहा आप दोस्तों को पैगाम दे दूँ कि मैं हूँ, अभी हूँ, अभी हो। तो इंशाल्लाह ब्लॉग का आगाज़ करेंगे आगे, तो ये पैगाम, एक छोटा सा वीडियो पैगाम मैंने कहा आपको बता दूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखे। मुझे इजाज़त दें।